हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीक में यूपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। उसके बाद मुझे काफ़ी एस्पिरेंट्स के पर्सनल मैसेज आए टेलीग्राम पे कि सर अभी हमारा मेंस क्लियर हुआ है तो हमें कुछ गाइडेंस कीजिए इंटरव्यू के लिए, यानी पर्सनल टेस्ट के लिए हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो केवल यूपीएससी इंटरव्यू के लिए ही फोकस्ड है। मेरा जो ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये है कि यूपीएससी में जो तीन एग्जाम्स होती है, यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी मेंस और यूपीएससी का फाइनल इंटरव्यू, इसमें सबसे टफेस्ट यूपीएससी के प्रीलिम है और मेंस थोड़ा सा आसान हो जाता है और सबसे इजी अगर हम देखेंगे तीनों में से, तो मुझे इंटरव्यू लगता है। इजी इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम में कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे इसके बारे में हमें इतना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन इंटरव्यू में प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। यूपीएससी इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जब हम मेंस का फॉर्म भरते हैं और जब हम यूपीएससी इंटरव्यू के लिए जब हम फिर एक बार जो फॉर्म भरते हैं, जिसे बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, डाफ वन और डाफ टू, ऐसे दो फॉर्म रहते हैं। उसमें हम हमारे पूरे जो हमारे बायोडाटा रहता है, जो हमारा रिज्यूमे रहता है, उसके बारे में डिटेल देते हैं। उस डिटेल के बारे में हमें काफ़ी अच्छे से कवर करना है, साथ में करंट अफेयर्स हमारा ऑप्शनल, और हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हमारा जो एजुकेशन है उसके बारे में हमें डिटेल थोड़े जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि यूपीएससी इंटरव्यू के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा जो डाफ है वो बहुत केयरफुली फिलअप करना है, और हमारे डाफ में जो भी पॉइंट्स है उसे हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। जैसे कि ये मेरा लास्ट ईयर का डाफ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि अगर मैं मेरा डाफ लेता हूँ तो इसमें जो मेरा नाम है, तो मेरा नाम जैसे कुणाल है, तो कुणाल के नाम से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे सम्राट अशोक, उनके जो बेटे थे उनका नाम भी कुणाल था, तो और भी कोई कुणाल नाम की कोई पर्सनैलिटी होंगी या कुणाल नाम का कोई और किस किसी इन्फॉर्मेशन होंगी, तो उसके बारे में हमें इसमें इन्फॉर्मेशन लेनी है और इसके नोट्स वगैरह बना के रखने हैं। आप किस होम टाउन से बिलोंग करते हैं? जैसे मेरा होम टाउन अमरावती है, और मुझे मेरे चारों इंटरव्यू में अमरावती के बारे में पूछा है, क्योंकि रीज़न इसका यह है कि जो मेरा अमरावती है वो महाराष्ट्र का है, और मुझे चारों बार जो पूछा है वो आंध्र प्रदेश के जो कैपिटल है अमरावती उसके बारे में पूछा है। तो अपना होम टाउन वो काफ़ी अच्छे से कर लेना। जैसे कोई माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होगा अमरावती के बारे में है, कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होगा, जैसे कि अगर आप झांसी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, या आप गुजरात के दांडी से बिलोंग करते हैं, तो उसे काफ़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और इसके साथ अगर आपका कोई शहर है जो काफ़ी फेमस है, जे आई टैग हो गया, जैसे कि आप बंगाल से बिलोंग करते होंगे, कलकत्ता से बिलोंग करते हो, तो वहाँ का जो जे आई टैग है वो, या आप साउथ से कांचीपुरम से बिलोंग करते होंगे तो वहाँ कांचीपुरम साड़ी है, या ऐसे ही इस पर्पस के हिसाब से हमें हमारे सिटी के बारे में करना है। अगर हमारे सिटी न्यूज़ में रहती है तो हमें उसके बारे में भी होलिस्टिकली कवर करना है। इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने अच्छे अच्छे जो पैकेजेस के जॉब मिलते हैं आईटी सेक्टर्स हो गए या बाकी कॉरपोरेट सेक्टर्स में, तो आपने वो प्रिपेयर क्यों नहीं किया। तो आपके पास उसका एक अच्छा आंसर होना चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज में क्यों आना है। अगर आपके ब्रांच इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर होंगी तो जाहिर सी बात है आपको वो 5G के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पूछ सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ सकते हैं, या जो भी करंट कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में हमें पूछ सकते हैं। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होंगे तो आपको पूछ सकते हैं कि अभी हमें जो जो हम सोलर पावर जनरेशन कर सकते कैसे कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमें पूछ सकते हैं। तो डिपेंड होता है कि हमारे जो ब्रांच है इंजीनियरिंग की उसके बारे में। ये सेम क्राइटेरिया हम दूसरे फील्ड में भी लगा सकते हैं, जैसे कोई मेडिकल होगा या किसी का कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई सीए करते हैं, कोई लॉ करते हैं, उस पर्पज़ के लिए हमें हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन बैकग्राउंड आता है तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि मैं जिस यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे है, तो अगर आपकी कोई अलग यूनिवर्सिटी होगी तो आपको उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिस शहर में होगा उस शहर के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पुणे के बारे में मुझे कुछ क्वेश्चन आए थे, तो वैसे ही अगर आप दूसरे शहर से होंगे, चेन्नई से होंगे, दिल्ली से होंगे, आप डीयू से पढ़ रहे होंगे, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप जेएनयू के होंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू हो गए, इनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी जो भी आपके इंस्टीट्यूशन का नाम है उस इंस्टीट्यूशन के नाम के उसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, किस व्यक्ति के नाम पे अगर इंस्टीट्यूशन होगा तो उस व्यक्ति के बारे में हमें पता चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का नाम अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, तो अगर आप उस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, आपका ग्रेजुएशन हुआ है, तो आपको सावित्रीबाई फुले के बारे में डिटेल जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ अगर आप कहाँ वर्किंग होगे, अगर आपने कोई
किधर आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे होंगे या स्टेट गवर्नमेंट में भी होंगे, तो आपको आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अगर आप बैंक में काम कर रहे होंगे तो आपको बैंक के बारे में जो भी न्यूज़ चल रही है या बैंक के बारे में जो भी आपके ऑफिशियल जो आपका काम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। या आप अगर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में होंगे तो आपको आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। तो आपको थोरोली करना है उसमें भी, आपका जॉब प्रोफाइल क्या है और आपने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस लिया है, आपने वहाँ पे क्या सीखा, इसके बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। इसके बाद हम अगर आगे जाएंगे तो हमें ये भी दिखता है कि हमारी जो हॉबी है, बहुत सारे बच्चों को ये प्रश्न आता है कि हॉबी में हमने कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि बाकियों की हॉबी ज़्यादा होंगी और आपकी हॉबी कम है तो आपको नंबर कम आएंगे, लेकिन हमारी जो भी हॉबी होंगी, कुछ भी हॉबीज हो सकती है, किसी की फोटोग्राफी होती है, किसी की पेंटिंग होती है, किसी की कुकिंग होती है, तो वो आपकी हॉबी एक ऑनेस्ट होनी चाहिए, आपको उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि मेरी हॉबी रीडिंग है तो आपको उसके बारे में पता नहीं है तो बहुत बैड इंप्रेशन होता है। तो आपके हॉबी के बारे में आपने थरोली होना चाहिए। अगर आपकी फोटोग्राफी हॉबी होंगी तो आपको वो पूछ सकते हैं कि शटर स्पीड क्या रहती है, आईएसओ क्या रहता है, कैमरे के लेंसेज के बारे में पूछ सकते हैं वो। अगर आपकी हॉबी क्रिकेट होंगी तो वो आपको केवल क्रिकेट के बारे में, वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पूछेंगे, T20 वर्ल्ड कप के बारे में नहीं पूछेंगे, आपको वो BCCI के बारे में पूछेंगे, आपको वो जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं क्रिकेट के, इंडिया में जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, ईरानी कप हो गया या रणजी ट्रॉफी हो गई, प्लेट ग्रुप रहते हैं, इलीट ग्रुप रहते हैं, उसके बारे में पूछेंगे, जो वुमेंस टीम है BCCI के अंडर आती है, इंडियन क्रिकेट टीम, उसके बारे में पूछेंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस क्रिकेट के ऊपर हो सकते हैं, डकवर्थ लुईस के बारे में पूछ सकते हैं, या जो भी कुछ क्रिकेट में जो नए लॉज आए हैं उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी हॉबी वेब सीरीज होंगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स वेब सीरीज भी आजकल हॉबी में मेंशन कर रहे हैं, तो आपको वेब सीरीज के बारे में पूरा पता होना चाहिए, उसके जॉनर पता होने चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे आप वेब सीरीज देखते हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी हॉबीज के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको उसके आंसर ऑनेस्टली देने हैं। इसके बाद आपको अगर हम हमारे ड्राफ्ट में देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑप्शनल। जैसे कि मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था, तो मुझे सोशोलॉजी के बारे में जो थिंकर्स है थिंकर्स के बारे में पूछा था, और जो सोशोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है उसके बारे में पूछा था, या सोशोलॉजिकल जो हमारे सोसाइटी में सोशोलॉजिकली यानी सोशोलॉजिकली हमारे जो सोसाइटी है उसके बारे में एनालिसिस करने को पूछा था। जैसे कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे फार्मर सोसाइट्स की बहुत समस्या है, तो उसके बारे में मुझे पूछा गया था। अगर आपका ऑप्शनल दूसरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो आपको उस पर्सपेक्टिव में आपका ऑप्शनल कवर करना है, थरोली करना है, कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल के बारे में आए तो आपको उसके आंसर उनको एक्सपेक्ट रहेगा कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। ये तो हमारे ड्राफ्ट के बारे में हो गया, जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म हो गया उसके बारे में हो गया। और इसके बाद हमें देखना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स हमें जो भी इस साल का करंट अफेयर है हमें उसके बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और मेंस के बाद का जो करंट अफेयर है हमें वो रेगुलरली उसके बारे में पढ़ना चाहिए। उसके लिए सोर्स तो है जो इंडियन एक्सप्रेस हो गया, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया ऐसे न्यूज़पेपर, या संसद टीवी हो गया, संसद टीवी पे जो प्रोग्राम रहते हैं ये भी हम देख सकते हैं, या कोई इंटरनेशनल पोर्टल्स होंगे या इंटरनेशनल आप की कोई न्यूज़ देखते होंगे तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो आपको इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी नेपाल में इलेक्शन हुए उसके बारे में पता होना चाहिए, बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, इसी के साथ ईरान में जो प्रोटेस्ट हुआ था जो उसके बारे में हमें वहाँ पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ अगर IR में देखेंगे तो जैसे G20 का हो गया, G20 के बारे में जो इंडिया को प्रेसिडेंटशिप मिली है उसके बारे में हमें थरोली इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। G20 के बारे में क्वेश्चन मुझे भी 2 साल पहले के इंटरव्यू में पूछा गया था, तो ये काफ़ी UPSC बोर्ड मेंबर्स के लिए काफ़ी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब G20 हो गया, जो भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमारे देश के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में कीजिए। इसी के साथ अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है हमें पार्लियामेंट सेशन को बहुत ध्यान से देखना है, कौन कौन से बिल पास हो रहे हैं पार्लियामेंट में और क्या क्या डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में हमें थरोली इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरव्यू बजट के बाद होगा तो हमें बजट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे रिसीट्स कितने हैं, हम टैक्स कलेक्शन कितना हो रहा है, हम टैक्स का डिवोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, हर स्टेट को हम टैक्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेम हमें इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके बारे में हमें देखना है। इसी के साथ हमें हमारे स्टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मेरा स्टेट महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो गया, कोई न्यूज़ होंगी, तो हमें वो न्यूज़ उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी
गुजरात हो गया, तो गुजरात में क्या क्या इवेंट हुए थे, जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अभी इलेक्शंस हुए थे, तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हो, हिमाचल से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या, आपको मे भी ये पूछ सकते हैं कि आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, लेकिन आपको आपके स्टेट के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी पॉलिटी, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसकी जो डेमोग्राफी है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमें कैसे करना है, हमें हमारे ड्राफ्ट में की हर चीज़ को पिक करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसके ऊपर हमें क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं, जैसे नाम के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं वो पूछना है। जैसे कि एक लड़के ने मुझे पूछा था, उनका नाम सिद्धार्थ था, तो उनको भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था। तो हमें ऐसे कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है नाम के बारे में, अपना कुछ सरनेम होगा, कुछ कुछ सरनेम होगा, तो उसके बारे में हमें वैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सेम अपना एजुकेशन बैकग्राउंड हो गया, अपनी सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, हमारा स्टेट हो गया, उसके बारे में हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। अगर अगर आप वर्किंग नहीं हो और आपने 4 और 5 से ज़्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना है कि आप वर्किंग क्यों नहीं हो और आप इतने सालों से यूपीएससी के लिए ही केवल फोकस क्यों कर रहे हो, तो आप उसके बारे में भी आपने उसके लिए प्रिपेयर करना है। अब रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू देने से पहले आप मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए। अगर आप दिल्ली में होंगे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आप वहाँ पे मॉक के लिए रजिस्टर कर सकते हो, मॉक इंटरव्यू दे सकते हो, मॉक इंटरव्यू दीजिए। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो आप पीयर ग्रुप बनाइए। पीयर ग्रुप बनाने का फायदा ये होता है कि आप दो तीन अगर दोस्त होंगे तो आप एक दूसरे का इंटरव्यू ले सकते हो। उस इंटरव्यू में वो आपके फ्रेंड्स आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, जो आपको उसका एक रिलेवेंस भी लगता है और आपको इसका डेफिनेटली फायदा होता है मेन इंटरव्यू में। जब मेन इंटरव्यू होता है तो उसमें हमें ये बात, इस बात का हमें इस बात पर फोकस रखना है कि हमें इंटरव्यू बोर्ड मेंबर को ब्लफ नहीं करना है। जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है, हमारे चेहरे पे स्माइल रखनी है, हल्की सी कॉन्फिडेंस अच्छा रखना है, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है वहाँ हमें उनको पोलाइटली बोलना है कि सर मैडम मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर नहीं भी आते होंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हम तो कंप्यूटर नहीं है कि हमें सब चीज़ें पता होंगी, कुछ कुछ चीज़ें हमें पता भी नहीं रहती है और वहाँ पे इतना इशू आता नहीं है। बस हमें पोलाइट रहना है, हमारे आंसर्स हमें बहुत अच्छे ढंग से उनको देने हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही है एक प्रकार का, हमें हमारे आंसर अच्छे देने हैं, और इसके साथ हमें ऑनेस्ट रखना है खुद को और हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे शुरुआत से लेके आखिर तक, इस हिसाब से हमें इंटरव्यू को फेस करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको आपके यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इंटरव्यू देने वाले हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर मिले ताकि आपका सिलेक्शन फिक्स हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी इंटरव्यू, एंड आई होप कि आपका सिलेक्शन यूपीएससी में इस बार हो जाना चाहिए। थैंक यू।